नमस्ते, कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए रहीम जी का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं। दोस्तों, आपकी परीक्षा में कुल 3 अंक का जीवन परिचय पूछा जाता है, जिसमें से 2 अंक जीवन परिचय के लिए और 1 अंक प्रमुख रचनाओं के लिए निर्धारित होता है। इस तरह से कुल 3 अंक का जीवन परिचय पूछा जाएगा। तो आइए आज हम देखते हैं रहीम जी का जीवन परिचय। यह परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे तैयार रखेंगे। देखिए, रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। याद रखिएगा, रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में, कब? 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। वर्तमान में लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खां था। पिताजी का नाम बैरम खां, जो मुग़ल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। किन्हीं कारणों से अकबर इनके पिता से रुष्ट हो गया और उन्हें हज पर भेज दिया। इनके पिताजी का नाम बैरम खां, जो मुग़ल सम्राट अकबर के संरक्षक थे, किसी कारणवश अकबर इनके पिताजी से निराश हो गया, रुष्ट हो गया, दुखी हो गया और उन्हें हज यात्रा पर भेज दिया। रास्ते में उनके शत्रु ने उनकी हत्या कर दी। जब इनके पिता बैरम खां हज पर जा रहे थे तो रास्ते में किसी शत्रु ने बैरम खां की हत्या कर दी। बाद में अकबर ने रहीम और उसकी माँ को अपने पास बुला लिया। जब अकबर के पिता बैरम खां की हत्या हो गई तो इसके बाद अकबर ने रहीम जी को और उनकी माता को अपने पास बुला लिया। बालक रहीम और उसकी माँ का अकबर ने देखभाल और भरण पोषण का प्रबंध किया। अकबर ने ही उनकी शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया। पिता के मौत के बाद रहीम जी का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, सारा प्रबंध अकबर ने ही किया। रहीम कई भाषाओं के जानकार थे। इनकी भाषा पर इनके ज्ञान का प्रभाव पड़ा है। रहीम जी कई भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, विद्वान थे, इसलिए इनकी भाषा में इनकी ज्ञान की झलक साफ साफ दिखाई पड़ती है। जहाँ इनकी भाषा में अवधी और संस्कृत के शब्द मिलते हैं, वहीं अरबी, पारसी और तुर्की भाषा के भी शब्द मिलते हैं। याद रखिएगा, रहीम जी को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। दोनों भाषाओं को समान रूप से जानते थे। रहीम ने जो नीति परक दोहे लिखे वे अत्यंत प्रसिद्ध हुए। रहीम जी ने जो नीति परक का मतलब जीवन जीने की शैली संबंधित दोहे लिखे, उपदेशात्मक दोहे लिखे, वे बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं। इनके दोहों में जीवन के अनुभवों का सार निहित है, शामिल है, इसलिए उनके दोहे जनसाधारण आम जनमानस में लोकप्रिय है। सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी में। जन्म कब हुआ था? 1556 में। ये हो गया रहीम जी का जीवन परिचय। यह इसी तरह से आप लिखेंगे। इसके बाद आइए देखते हैं रहीम की प्रमुख रचनाएं। याद रखिएगा, रहीम सत्सय, कौन सा? रहीम सत्सय, श्रृंगार सत्सय, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली। एक बार फिर से रहीम जी की रचनाएं हैं, रहीम सत्सय, श्रृंगार सत्सय, नगर शोभा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली और बरवय नायिका भेद। ये रहीम जी की प्रमुख कृतियां हैं, रचनाएं हैं। दोस्तों, इस तरह से आप परीक्षा में रहीम जी का जीवन परिचय लिखेंगे, आपको पूरा 3 नंबर आसानी से मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो
तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।